नशा हटाओ बेटी बचाओ नारा लगाते हुए करीब एक सैकड़ा ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। लाजिम उसके आसपास के करीब एक सैकड़ा से अधिक ग्रामीण नशा हटाओ बेटा बचाओ का नारा लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग की है कि मार्च में जो शराब के ठेके होंगे वह ना हो, जिससे कि क्षेत्र के युवा नशे से दूर रहे और महिलाएं सुरक्षित रहे। अभी तक आपने ये देखा और सुना होगा कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज आप पहली बार सुनेंगे कि नशा हटाओ बेटा बचाओ। जी हां, ऐसा ही नारा लगाते हुए लांजी के लगभग एक सैकड़ा से अधिक ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बालाघाट कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे दारू भट्टियाँ हैं जो सरकार ठेका दे देती है, उससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। एक टेडवा वाला मामला है तो हाईवे रोड पे दारू पीते हैं, कभी भी एक्सीडेंट होते हैं और झगड़े होते हैं। एक टेमनी का भी हमने प्रस्ताव लेके आया, टेमनी वाला मामला ये है कि वहाँ पे दो लोगों को इसके पैर पूर्व जला चुके हैं उस भट्टी में, आए दिन झगड़े होते हैं तो भी उसके बाद वहाँ से भट्टी नहीं हटती। और लांजी बस स्टैंड में उसकी बिल्डिंग की स्थिति इतनी जर्जर है कि नगर पंचायत ने इसके पहले कई बार उसकी सूचना दी है, आपका भी वक्त भी दिया और बिल्डिंग वाले को भी दी है, लेकिन उसके बाद भी वो सूचना यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और अभी तक वो दारू भट्टी हटी नहीं। इसके पूर्व भी लांजी की जो भट्टी है उसकी छत गिर गई, उसके बाद भी मैंने एचडीएम महोदय को जिला पंचायत सदस्य ज्योति उमरे जी ने ज्ञापन दिए तो भी एचडीएम मैडम ने कोई ध्यान नहीं दिया और अभी वो भट्टी वहीं पर। बालाघाट में नशे के खिलाफ एक बार फिर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और इस बार ग्रामीण लांजी के है, जहां उन्होंने हाथों में बैनर लिए लगभग एक सैकड़ा से अधिक महिला पुरुष रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनकी मांग है कि मार्च में जो शराब के ठेके होंगे वह हमारे क्षेत्र में न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि क्षेत्र के युवाओं को इससे नशे की आदत लगेगी और वे इस गर्त में समाते ही चले जाएंगे, वहीं महिलाओं की सुरक्षा को भी इससे नुकसान है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों द्वारा आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम में जो बस्ती के अंदर में भट्टी लगा हुआ है ये शराब दुकान होना ही नहीं चाहिए अपने ग्राम को, क्योंकि इसके वजह से क्या है, बहुत से महिलाएँ बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, रात में बरोबर सो नहीं पाते महिला लोग बच्चे लोग, और हर घर की ये स्थिति है कि कहीं ना कहीं नवयुवक या जो भी बुजुर्ग लोग भी हैं बहुत से शराब के आदि हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने पंचायत के अंतर्गत भट्टी होना ही नहीं चाहिए हमारे पंचायत। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए जिला पंचायत सदस्य ज्योति उमरे ने बताया कि मार्च में शराब के ठेके होंगे वह हमारे लांजी क्षेत्र में न हो और जो सड़क किनारे शराब दुकानें उनकी वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं, राह चलते लोगों से अभद्र व्यवहार होता है, साथ ही महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं और युवा भी नशे की जद में चले जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये ठेका न हो। हमारा एक मांग थी क्योंकि जब आने वाले जो मार्च में जो शराब का ठेका होता है तो हम चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव में जो रोड पर जो भट्टियां हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, अभद्र व्यवहार होता है, महिलाएं जा नहीं सकती। एक गांव ऐसा है जहाँ के बस्ती में ही है, वहाँ पे स्कूल के सामने ही भट्टी है, तो वहाँ के गांव के लोगों ने सबने प्रस्ताव दिया, पूरा ग्राम सभा बैठी थी 26 तारीख को कि यहाँ पे गांव में भट्टी नहीं होना चाहिए करके, वही मांग लेकर के हम आज कलेक्टर साहब के आए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि शराब के वजह से महिलाएँ परेशान है, बच्चियाँ स्कूल जाती वो परेशान है, तो हम चाहते कि गाँव में इस बार ठेका होना ही नहीं चाहिए। और मैं उन सभी ठेकेदारों से भी कहना चाहती हूँ कि इस बार का जो ठेका है वो सोच समझ के लेंगे, लांजी विधानसभा का जो ठेका है वो सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि इस बार ज्योति उमरे ठेका होने नहीं देंगे और गांव-गांव में जो भी अवैध बिक्री वो बिकने नहीं देंगे, इस बार सोच समझ के ठेका लेंगे। अगर उसके बाद में अगर लांजी में ही आप तो ये प्रयास कर रहे हैं पूरे जिले के लिए? पूरे जिले के लिए लांजी किरनापुर, और ये मेरा जो बेटा बचाओ अभियान है ये पूरे इंटरनेशनल यानी पूरे भारत भर में है ये मेरा प्रयास अभी कि गांव-गांव में। अगर जैसे ठेके हो जाते हैं और दुकानें खुल जाती हैं, क्योंकि इस प्रकार के विरोध तो होते हैं लेकिन फिर भी दुकानें तो खुली जाती है, अगर ऐसा ही आपके क्षेत्र में होगा तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है कि जो इसलिए तो हम पहले आए कि ठेका होने से पहले ही हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दें ताकि आगे अगर ऐसा फिर भी उसके बाद भी अगर होता है तो हम कोर्ट से स्टे ला लें।
वहीं डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक ने बताया कि मुझे ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामले को लाया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह की जाएगी। आज लांजी क्षेत्र से श्रीमती ज्योति ईश्वर उमरे और उनके सदस्यों के द्वारा, साथियों के द्वारा आज लांजी क्षेत्र के अलग अलग जगहों पे शराब की दुकानों के संबंध में ज्ञापन कलेक्टर साहब के नाम प्रेषित किया गया है। इनकी क्या मांग है सर, इन्होंने अपनी मांगों में आपसे क्या? इनकी मुख्यतः ये है कि अवैध शराब की बिक्री और शराब की दुकानों के अगल बगल जो इस प्रकार की अवैध गतिविधियाँ होती हैं इसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। इनका ये कहना है कि गाँव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है ठेकेदारों के द्वारा, जिसके कारण गाँव का माहौल खराब है। इनके ज्ञापन में लिखा तो हुआ है, ये ज्ञापन हम प्रेषित करेंगे DO साहब को, कलेक्टर साहब को, फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पीछे आओ।